Guys, please give it up for them. हाँ जी, कैसा लगा ट्रेलर? हाँ, क्या है? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए ना. थैंक यू सो मच. सो लेट मी कॉल राजू हिरानी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू सॉ जस्ट नाउ. सो लेट लेट राजू कम एंड टॉक फॉर. गुड आफ्टरनून एवरीबडी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. कैसा लगा मुझे भी बताइए ना. मैंने आई गेस एट द मोमेंट द ओनली इमोशन आई एम एनवेलप्ड विथ इज ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस. थैंकफुलनेस फॉर लाइफ टू बी सो काइंड. आपने जो देखा, ये यहाँ पहुँचने में इसकी शुरुआत होती है कई सालों पहले. It starts with a word, with a thought. So first of all, thank you to Sanju for sharing that one little thought, which finally became a film. और शुरुआत हुई तो फिर लोग जुड़ते जाते हैं, जैसा विनोद ने कुछ देर पहले कहा कि how it's a collaborative effort. So in the journey, people keep joining you from 1 to 2 to 3 to 100s. And we all finally live together, breathe together, laugh together, fight together. And then the film reaches where it reaches. Fight together में मेरी तरफ देखा आपने? नोट नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा. So a big thank you to the entire cast and crew. Some of them are here, some of them are still working in sound studios and DI and everywhere to finish the film. Without them, this film could not have been there. And we have a lot of the cast here. Some of them are not here. I miss them. Like one, Anushka is not here, Baman is not here. Anushka is shooting in US. But a lot of them are here, so I would like to call all of them one by one, and so you all can interact with them. So Paresh ji first. And it's Paresh ji's birthday today, so I have to wish him. Manisha ji. Thank you, thank you. That's Sonam, Vicky, Dia, and finally Ranbir. So, thank you. Okay guys, we can start. So we're starting with the questions. The character of Salman in the film. देखिए, विकी सलमान नहीं है फिल्म में, ये मैं आपको बता सकता हूँ. I agree. विकी is actually a mix of संजू के कई फ्रेंड्स हैं,
उनकी लाइफ का एक तरह से मिश्रण है. और एक स्पेसिफिकली एक संजू के बहुत ही अजीज दोस्त हैं जो यूएसए में रहते हैं, उनका नाम है परेश. मेजॉरिटी ऑफ हिज कैरेक्टर ट्रेट्स, हिज पर्सनैलिटी इज फ्रॉम परेश's लाइफ. हाय, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाय, दिस मेरा नाम आलोक है, आपके लेफ्ट में. हाय सर, ट्रेलर बहुत ही बेहतरीन है, आपने ट्रेलर को देखा. रणवीर सर, आपका क्या रिस्पॉन्स है, आपको आप कैसे समराइज करेंगे इस 3 मिनट और 3 सेकंड के ट्रेलर को? आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू समराइज, क्योंकि हम इस फिल्म पे 2 साल हमने काम किया है. यू नो, यू फील के जो ट्रेलर होता है, वी ट्राई एंड रिप्रेजेंट द बेस्ट वर्जन ऑफ द फिल्म ताकि वो हम ऑडियंस को उत्साह सके. बट आई ऑलवेज हैड बिलीव इन द स्क्रिप्ट, इन द फिल्म, इन राजू सर्स विजन. सो इट्स वे बिगर देन द ट्रेलर फॉर मी. यू नो, ट्रेलर इज जस्ट अ शॉर्ट विंडो ऑफ व्हाट्स गोइंग टू कम इन द फिल्म. एंड डायस पे आज बहुत सारे एक से बढ़कर एक सितारे हैं. मैं चाहूंगा कि संजय दत्त आपकी जिंदगी में कितना अहमियत रखते हैं, किस तरीके से आप लोगों ने संजू को जाना, अगर आप लोग बता सकें. विदु सर, अगर आप शुरू करें और विजय सर एंड करें. देखिए, संजू को असल में जब वो संजू पहली बार जेल गया था, मैं उसको जानता नहीं था, तो उस वक्त अगर आपको याद हो, इन सबको याद होगा जो बैठे हैं, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया था. तो मैं संजू को जानता नहीं था, मैं उनके घर गया और मैंने एक फिल्म अनाउंस की और मुझे भी ब्लैकलिस्ट कर दिया, इंडस्ट्री ने ही ब्लैकलिस्ट किया. तो वो फिल्म हमने अनाउंस की, फिर जब संजू जेल से निकला तो उसने मुझे फ़ोन किया, तो कहता कि मैं फिल्म बनाऊंगा आपके साथ. मैंने कहा भैया मेरी तो फिल्म है ही नहीं. उनका आपने तो अनाउंस किया. मैंने कहा यार वो तो मैं आई टुक अ स्टैंड बिकॉज टिल यू आर प्रूव्ड गिल्टी, टिल एनीबडी इज प्रूव गिल्टी इज इनोसेंट. तो उसको थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं आया. फिर वो घर आया और दैट इज द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम एंड ही सेड दैट वी विल वर्क टुगेदर. मैंने कहा नॉट नाउ, इट वॉज जस्ट अ स्टैंड आई टुक. देन वी वर्कड विद हिम फॉर मैनी फिल्म लाइक मिशन कश्मीर, एकलव्य, मुन्ना भाई. सो संजू इज लाइक अ पार्ट ऑफ आर लाइफ. मगर जो इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब मैंने ये फिल्म की कहानी सुनी, जब मुझे अभिजात जोशी और राजू ने सुनाई, तो जिस संजू को मैं जानता था, मुझे लगा कि मैं संजू को जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये कहानी जो है और सच कहानी है, ये इतनी आगे है उस संजय से जो मैं 20 साल से 15 साल से जानता हूँ कि इट्स अनबिलीवेबल. ये मेरा संजू के साथ. दिया मनीषा जी, एक एक करके प्लीज़ अगर आप लोग दे दो. मैं संजू सर कहती हूँ उन्हें. उनके साथ मैंने काफ़ी फिल्में की हैं और हमेशा मेरा एहसास उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए यही रहा है कि ही इज़ बिन एक्सट्रीमली वॉर्म, अफेक्शनेट, काइंड, जेनरस. एंड जब मैंने ये फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी तो इट जस्ट ब्लू माई माइंड. आई कुडंट बिलीव हाउ लेयर्ड and how detailed this narrative was, and it revealed you know, aap jab industry ka hissa hote hai to you hear things about people, but when I heard the script, I heard things that I had never heard before, and that was just remarkable about it. And I felt like for some reason I feel closer to him now than I ever did before, and I feel more connected with him than ever before, and we all love him unanimously. The Baba that I know is all heart, and मैंने 3-4 फिल्में की उनके साथ. He's always been like a prankster, happy, all heart kind of a person, and I'm really looking forward to seeing this film because there's many aspect of his life that I didn't know. So I'm keen to watch this movie. Hello. Mera sawal Ranveer ji se hai, yahan pe. First seat. Mujhe Akshay Khanna sahab ka, I distinctly remember, mujhe kuch 5 ya 6 January ko unka SMS aata 2017 mein. But there is a script coming your way, aur aisa spiritual writing, unhone kaha maine kahin dekha nahi hai. बाद में मैं मिला, मुझे बुलाया गया, मैं मिला, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और बात बिल्कुल सही थी कि इतना स्पिरिचुअल राइटिंग हिंदी सिनेमा में कभी हुआ नहीं है. ज़बरदस्त स्क्रिप्ट थी
एंड मुझे राजू हिरानी के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, मुझे माय फेवरेट एक्टर रणबीर कपूर साहब के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, तो मेरे लिए विन विन सिचुएशन थी। तो विनोद भाई विल अग्री टू इट, मैंने पैसे की भी बात नहीं की। एंड आई एम इन दिस फिल्म और मुझे, मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा ही लकी आदमी हूँ कि मुझे ऐसी फिल्म मिली है, ऐसा किरदार करने को मिला उस बंदे का, कि जिस बंदे को मैं बिल्कुल तहे दिल से इज्जत करता हूँ उनकी, और ऐसा इंसान, मैं ये शायद कहूँगा कि थोड़ी ज्यादती हो जाएगी, लेकिन मैंने मदर टेरेसा को तो देखा नहीं है, लेकिन मैंने दत्त साहब को देखा है, ऐसे इंसान थे। हेलो, मेरा सवाल रणबीर कपूर जी से है। सारे लोग उसका सवाल ही नहीं खत्म, उसने बड़ा लंबा सवाल पूछा है एक आदमी ने, उसने सबको एक ही में ले लिया। सो कैन क्विकली सेड, मेरे लिए एज फिल्म मेकर्स हम सब ग्रीडी होते हैं कि ऐसा कोई कंटेंट मिले जो बहुत इंगेजिंग हो, एंटरटेनिंग हो, लोगों को हंसाए रुलाए। सो जब संजू से मैंने उनकी कहानी सुनी, तो एक कहानी तो जो है जो आप सबको पता है, काफ़ी प्रेस में उनके बारे में काफ़ी लिखा जा चुका है, सब एक कहानी जानते हैं, पर मैंने जो एक कहानी सुनी जिसमें एक फादर सन की स्टोरी थी, एसेंशियली ये वो चैप्टर्स हैं जो आपने नहीं कहीं पढ़े। तो आप फिल्म देखेंगे आपको लगेगा और दोस्ती की कहानी है, और हमने पूरी ईमानदारी से कही है, यानी जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जहाँ सही है वहाँ सही है। सो फॉर मी इट वॉज ग्रेट टू गेट अ ग्रेट स्टोरी। उनकी तरह मैं भी उनकी फिल्में देखकर बड़ा हुआ हूँ, और मुझे अभी भी याद है क्योंकि हमारे घर में एक तस्वीर है जहाँ पापा बिफोर बिकमिंग एन एक्शन डायरेक्टर एज ए स्टंटमैन संजू सर के बॉडी डबल थे इन वन ऑफ हिज फिल्म्स। सो अभी भी मेरे पास एक तस्वीर जहाँ उन्होंने सेम कॉस्ट्यूम पहना हुआ है एंड बिटवीन शॉट्स मट्टी में है और सब कुछ, वो तस्वीर मुझे अभी भी याद है। सो फॉर नाउ आफ्टर सो मेनी ईयर्स मुझे उनके लाइफ का प्ले करने का जो मौका है, थैंक यू। Shyam is here, Vicky's dad is here. Sir, give it up for Shyam Kaushal, sir. One of the top Sun directors in the country. And we also have Bhushan, sir, joining us from T-Series. Music release kar dega time par ke nahi, wo puch raha hu isko. Trailer pe to late aata. Okay, I think I've already said in the opening, I think as Fox, we are very, very privileged to present this very special film. It is everything you guys think you know and what you don't know. रणबीर आपके राइट में यहाँ पे, दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम बुक माई शो। बहुत बहुत बधाई आप सबको, ट्रेलर स्पेल बाउंडिंग और जो मेहनत है वो दिख रही है स्क्रीन पे। मेरा आपसे सवाल है, अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द फिजिक, ऐसे मोमेंट्स रहे हैं दैट व्हाइल शूटिंग दिस फिल्म दैट इट आपको ऐसा लगा दैट इट्स टोल, मतलब इतना हमने ड्रामा देखा इस ट्रेलर में, हमने इतना ड्रामा देखा, सो वर देयर एनी मोमेंट्स और वर देयर एनी डेज प्लीज शेयर। एज एन एक्टर यू नो, बिकॉज़ आई वाज वेरी एक्साइटेड टू प्ले दिस पार्ट, तो इट डजंट bother you that much, but then while I was acting, I was really imagining what he must be going through. Happening to me, ये सब makeup है, खून उनका, या जो भी jail में हो रहा था, या whatever has happened in his life. So I think just thinking about what he must be going through was such a inspiration for me that the film was fairly easy, you know. And also to have such an incredible cast, to have Raju sir, everything was smooth sailing. Okay, Ranbir, एक और एक सवाल है कि has this film changed you as a person or improved you as a person, because you're playing a character who has never gave up in his life, so has it improved you? I think subconsciously every character you play, and that's why you choose them, you want to imbibe certain qualities from them, and I think Sanju sir's life is such that we all can learn something from his mistakes. That's why he's given it so gracefully, ke these are the mistakes I made, you know. And so I think his mistakes is something that, you know, I can really understand and I can learn from. Hello, Ranveer ji, yahan pe Aarti Saxena. ओके, हियर फर्स्ट रो। आप है ना एक साल से संजय दत्त को जी रहे हैं, तो वापस रणबीर कपूर बनने में अभी आपको कितनी प्रॉब्लम आई? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। मैं सीधा एक फिल्म है ब्रह्मास्त्र, उसमें घुस गया था, एंड आई थिंक ऐसा बहुत होता है एक्टर्स के साथ, क्योंकि वाइल वी आर प्रमोटिंग अ फिल्म वी ऑलरेडी वर्किंग ऑन अनदर फिल्म, तो आई एम ऑलरेडी ऑन अनदर कैरेक्टर राइट नाउ, सो इट्स थैंकफुली इट वॉज स्मूथ फॉर मी। अच्छा, संजू जी ने ईमानदारी से बता दिया कि उनकी 108 गर्लफ्रेंड्स थी,
आप 308 अरे दो 200 की कैलकुलेशन रॉन्ग कर दी. तो आपका अगर कभी बायोग्राफी बनी तो आप कितनी गर्लफ्रेंड ईमानदारी से बताएंगे? नहीं, मैं तो एक्चुअली अलाउ करूंगा ही नहीं. आई डोंट थिंक मैं संजू सर के जैसे आई एम नॉट अ करेजियस मैन टू गिव माय लाइफ आउट सो ओपनली. बट मेरी काउंट 10 से भी कम है. अच्छा. तो मेरे पे बायोपिक नहीं बन सकती. अच्छा, इसके बाद आप कोई बायोपिक का आपको ऑफर मिला तो आप करना चाहेंगे? बिल्कुल. आई थिंक एनी स्टोरी दैट इंस्पायर्स, अगर वो बायोपिक हो या फिक्शन हो, एज लॉन्ग एज देयर इज अ स्टोरी टू बी टोल्ड, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. रणबीर. प्रशांत फ्रॉम ईटीवी. एक जो पोस्टर आया था अभी हाल ही में आपका और परेश जी का, बहुत इमोशनल पोस्टर था, उस सीन के बारे में बताएं. और वो एक पोस्टर ऐसा था जिसके बारे में बहुत बातें हुई और लोगों के दिलों में घर कर गया, वो उस खास सीन के बारे में कुछ बता पाएं अगर? आई थिंक जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा कि संजू सर एक ड्रग फेज से गुजरे. ही वेंट सो डीप इनटू ड्रग्स दैट ही कम्प्लीटली लॉस्ट हिमसेल्फ, ही कम्प्लीटली लॉस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ. एंड ही एक्चुअली रॉकी के प्रीमियर के बाहर जब फिल्म चल रही थी, ही वेंट टू हिज फादर एंड सेड के आई एम गॉन, if you don't save me right now I won't be able to survive. And that's when Sunil Saab realized that his son has gone so deep into drugs that he decided it, you know, it's time that now I will live my life to make my son okay. And he took him to America to rehab. So that was a very important moment in Sanju sir's life. You know, it was a changing moment. He would have either died or you would have survived. And I think he was very brave enough to want to fight the drugs. Raju sir, filmein jaise aapne kaha ki ek idea hoti hain aur एक बात से शुरू होती है, तो वो लम्हा क्या था जब आप इस फिल्म की शुरुआत हुई या इसके बारे में बातचीत हुई, उसके बारे में पूरा बता. देखिए, मैंने संजू के साथ दो मुन्ना भाई फिल्में की थी, पीके में भी उन्होंने एक रोल किया था, तो मुझे लगता था मैं संजू को जानता हूँ. पर जब संजू परोल से बाहर आए थे कुछ वक्त के लिए, तो मैं उनसे मिलने गया और तब मुझे पता लगा कि जो मैं संजू के बारे में जानता था वो उतना ही है जितनी दुनिया जानती थी. आई वॉज नेवर वेरी क्लोज टू हिम कि हम बैठ के कुछ रात को पार्टियां कर रहे हो. ही वॉज वर्किंग विथ मी और मैं उतना ही जानता था. तो जब वो परोल पे आया तो उन्होंने आई थिंक वॉज जस्ट वेंटिंग आउट, ऐसे खुल के बताना शुरू किया कि जेल में कैसे वक्त बीतता है. सो आई गॉट वेरी फैसिनेटेड विद इट. फिर उन्होंने अगले दिन फोन कहा कि क्या कर रहे हो, आ जाओ. फिर मैं अगले दिन गया, फिर उन्होंने मुझे लगा पहली बार खुल के वो ऐसे बात करना चाहते थे. उन्होंने जब बताना शुरू किया तब मैंने अभिजात को फ़ोन किया तीसरे दिन, और वो अहमदाबाद में था. मैंने कहा अभिजात आ जाओ, यहाँ मैं जो सुन रहा हूँ वो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा कुछ सुना ही नहीं है. तो उसके बाद हम लोग 25 दिन रोज़ शाम को 5 बजे जाते थे उसके घर पे, 3 बजे तक बैठते थे और सुनते थे, वो रिकॉर्ड भी किया हम लोगों ने. तब मुझे लगा कि एक्चुअली उनके घर से जब निकलते थे तो हमको ऐसा लगता था कि हमने ज़िंदगी जी नहीं है. वी फेल्ट लाइक ड्वार्फ्स कि ये क्या ज़िंदगी है. और फिर वहाँ उस दौरान ऐसा लगा कि एक दिन सुनने के बाद दारू वारू पी के उन्होंने फोन किया कि हमने जिंदगी तो संजय दत्त ने जी है, हमने तो कुछ ये ही नहीं. बड़ी बोरिंग लाइफ है हम लोगों की. हाय, संदीप हियर फ्रॉम ANI. सर सभी को नमस्कार. मेरा सवाल है परेश सर से, एट द टॉप सर, सेंटर में, यहाँ पर काफी ऊपर हूँ मैं. मेरा परेश सर से सवाल है. सर सवाल ये है कि आप रियल जिंदगी में अगर हम कहें तो आप खड़े हो जाएंगे प्लीज इफ यू डोंट माइंड. आप राजनीतिक करियर भी अभी आपने शुरू किया है और साथ साथ आप एक्टर भी हैं, और लगभग सुनील दत्त साहब का आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं सर. कुछ इसी प्रकार का उनका भी जीवन रहा जब हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये दुविधा आई कि अभी मैं किसी और पक्ष में हूँ और वो किसी और पक्ष में थे, तो इस कैरेक्टर को प्ले करने में ऐसी दुविधा आई? मेरी सोच कभी ऐसी होती नहीं है, नंबर वन. और दूसरी बात है, मेरे मन में सिर्फ एक ही दुविधा थी कि वो बहुत बड़े बहुत अच्छे इंसान थे. वो जो अच्छाई है वो क्या मैं पर्दे पर ला सकूँ, क्या यही दुविधा थी? सर आप उनको बताइए ना किस्सा, वो चिट्ठी वाला एक. आप हैरान होंगे, बड़ा कॉस्मिक कनेक्शन मुझे लगता है. 2005 के अंदर 25 मई को मैं अमेरिका में मेरे ड्रामा के शो कर रहा था और मैं यहाँ पे आया हुआ था. दीवाने हुए पागल फिल्म का कुछ पैचवर्क था और जो ललित होटल है ना वहाँ पे एयरपोर्ट के बगल में, वहाँ मैं गया सीधा लैंड होके और मैंने घर पे फ़ोन किया
स्वरूप को कि मैंने बोला मैं आ गया हूँ लेकिन मैं शूटिंग खत्म होने के बाद मैं घर पे आऊँगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो दत्त साहब का कुछ लेटर आया हुआ है। मतलब किसका? बोला सुनील दत्त साहब का। उन्होंने मुझे क्यों खत लिखेंगे? बोलते नहीं तुम्हारी बर्थडे है वो विश, बोला मेरी बर्थडे 30 तारीख को, 5 दिन पहले क्यों लिखेंगे? तो बोलते नहीं उन्होंने खत लिखा है। उन्होंने ठीक है। बाद में स्ट्रेट कट टू जब मैं इनके पास गया था 2 जनवरी को 2017 में उनके ऑफिस में बैठ के मैं नरेशन सुन रहा था, तो स्वरूप का मुझे फोन आता है कि तुम्हारे ड्रॉअर के अंदर वो लेटर पड़ा हुआ है, दस साहब का क्या करें, बिकॉज आई हैड आस्क्ड हर टू गेट सम डॉक्यूमेंट फ्रॉम द ड्रॉअर। तो मैंने बोला अभी भी लेटर पड़ा हुआ है? तो एक कमाल का कनेक्शन था। और वो लेटर मैंने दिखाया इनको कि दस साहब, नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे बर्थडे विशेष वाले जो खत आते हो आप रखते हो फिर थोड़े दिन के बाद निकाल देते हो। ये 12 साल के बाद 2005 से लेकर 2017 तक वो खत पड़ा हुआ था मेरे ड्रॉअर में। एक कमाल का कनेक्शन है, मैं इसे क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आता। ये था कनेक्शन कि दस साहब का रोल करना मेरे नसीब में होगा शायद। क्या विनोद जी, रणवीर आपसे मेरा सवाल है, आपके राइट में स्ट्रेट, सॉरी आपके लेफ्ट। अभी रणवीर एक वीडियो आया है जिसमें ऋषि कपूर साहब काफ़ी इमोशनल हैं देख के, और उन्होंने नीतू जी से कहा है कि आई स्वेयर ये मुझे रणवीर नहीं लग रहा है। तो ये फिल्म भी फादर और सन रिलेशनशिप पे है, देखने के बाद आपको क्या रिएक्शन दिया उन्होंने और आपके लिए क्या इमोशनल मोमेंट रहा? पहले तो बिसाइड्स बी माय फादर ही इज आल्सो एन एक्टर आई रियली एडमायर एंड रिस्पेक्ट। तो जब राजू सर ने ये रिएक्शन रिकॉर्ड करके मुझे भेजा था, मैं उस वक्त कहीं और शूट कर रहा था, पापा कभी बोलते नहीं है मेरे चेहरे पे कि यू नो आपने अच्छा काम किया है, नॉट दैट आई एक्सपेक्टेड एंड ऑल, बट यू नो व्हेन यू हियर सच वर्ड्स कमिंग फ्रॉम हिम, नॉट ओनली बिकॉज ही इज माय फादर, बिकॉज ही इज एन एक्टर आई लव, यू नो इट वाज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस फॉर मी, यू नो इट रियली मूव्ड मी, इट मेड मी वेरी इमोशनल, बिकॉज एवरी फादर वॉन्ट्स द सन टू डू वेल, बट माई फादर इज वेरी केयरफुल कि वो ऐसे फ्री में कॉम्प्लीमेंट देंगे नहीं, यू नो वो हमें हमेशा कहते कि कसर रही, यू नो वर्क हार्डर। सो दिस वॉज अ वंडरफुल गिफ्ट दैट राजू सर एंड विदू सर हैड सेंट मी हिज वीडियो। राजू सर आपसे एक सवाल है कि आपके फिल्में जब भी हमने देखी है उसमें आपका ह्यूमर हमेशा रहता है, एक ह्यूमर एंगल आप हमेशा जोड़ते हैं इस फिल्म। जैसे आपने कहा कि अनुष्का की अगर आप बात करें तो आपकी और विधु की याद दिलाएगा, सोनम के किरदार की मैं बात करना चाहूँगा, तो सोनम के किरदार को कहाँ किस 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 करेक्टर की याद होगी और किस किस किरदार में इन्हें डाला? देखिए सोनम इज प्लेइंग वन ऑफ द गर्लफ्रेंड्स 308 में से एक, सो बाकी आप स्क्रीन पे देखिए। Diya is playing actually Manyata, Sanju's wife. Okay, guys, thank you so much. Okay, last question. This is the last question. Yeah. आप काफी टाइम से पूछ रहे हैं। Guys, just a second. Ma'am. वहाँ से। Yeah, last question. माइक इज कमिंग टू यू, प्लीज उनका माइक ऑन कीजिए। कैन आई आंसर द क्वेश्चन? नो प्रॉब्लम, थैंक यू। जब हम लोग लगे रहो मुन्ना भाई की शूटिंग कंप्लीट कर चुके थे तब आई थिंक एट दैट टाइम आई हैड गॉटन द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद मान्यता एंड ऑफ कोर्स ओवर द इयर्स आई हैव इंटरेक्टेड विद हर। लेसन्स तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जब भी कोई किरदार प्ले करने का मौका मिलता है the one thing that we hope to achieve as actors is to be able to empathize with what that character has experienced, that person has experienced in their real life. And jab Raju sir aur Abhijaat jaise log script likhte hain, scenes likhte hain, so that ability to empathize with the reality of the situation increases manifold. Aur I think pehle din se leke last day tak main sirf दो चीज़ें अपने आप को याद दिलाती थी कि अगर मैं इस सिचुएशन में होती तो क्या होता मेरे साथ, और उसके अलावा ये जो इंसान हैं जिनको ये सारी सिचुएशन से गुजरने पड़े उनके साथ कितनी गहराई से इसको इफ़ेक्ट हुआ होगा और हाउ दैट मस्ट हैव मेड देम रिएक्ट टू द सिचुएशन दैट आई वॉज अ पार्ट ऑफ। रणबीर थैंक यू सो मच गाइस, रणबीर वन फाइनल क्वेश्चन। Okay, last Ranbir, slightly yeah. towards your left. Yeah, yeah, sir. I want to ask a question. I can see you, sir. Ranbir here. Yes, sir. Ranbir, there is a...
Ranbir, if you can hear me here. Aap pooch lo, aap pooch lo, aap pooch lo. Ranbir, there is a scene in the trailer where you've gone nude. Was that particularly difficult to shoot? मैं तो पहले फिल्म से न्यूट चला गया था जब मेरा टॉवल गिर गया था. सो आई एम वेरी शाय इन माय रियल लाइफ, बट व्हेन द कैमरा इज ऑन आई एम नॉट शाय. यू नो आई एम पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर, सो यू हैव टू बी न्यूड इन योर इमोशंस एंड फिजिकली. आल्सो व्हाट इज द सेंसर सर्टिफिकेट दैट यू आर लुकिंग एट गेटिंग दिस मूवी? व्हाट्स द सेंसर सर्टिफिकेट दैट यू आर लुकिंग एट गेटिंग फॉर दिस फिल्म? आई डोंट नो. सेंसर सर्टिफिकेट सर यू दिस फिल्म यू यू. ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड पेशेंस. करने दो, कब से पूछ रहे हैं? ओके, लास्ट क्वेश्चन. अच्छा, इस फिल्म का म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, भूषण से पूछ लीजिए. इन्होंने सर, सो व्हेन यू आर डूइंग दिस मूवी, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सम इमोशनल सीन वेयर रियली यू थॉट दैट हाउ कैन दिस गाय मस्ट हैव रियली इन रियल लाइफ ही मस्ट हैव डन. सो कहां पर आपने ऐसे छोड़ दिया कि नो आई कांट डू दिस सीन और समथिंग बिकेम वेरी इमोशनल? देखिए, जब आप एक फिल्म को कमिट करते हो देन इट्स योर जॉब. यू कैन नॉट से यू कांट डू इट, यू हैव टू मेक इट वर्क. और बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं एक्टर्स की लाइफ में कि आज अच्छा दिन नहीं है, आज आप अच्छी तरीके से नहीं सोए हो, यू नो योर मूड इज़ बैड, यू हैड अ फाइट विद समवन. बट आई थिंक व्हेन यू कम ऑन सेट यू हैव टू डिलीवर, इट्स योर जॉब. कभी अच्छा होता है, कभी नहीं अच्छा होता. कभी आप इतने स्ट्रेस होते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, मैं नहीं कर पाऊंगा, बट वो हो जाता है क्योंकि नॉट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज वो स्क्रिप्ट में वो बात है. जब वो सीन आती है स्क्रीन प्ले में, because of the flow of the screen and of the screenplay and the story, that's why the scene works. So I think actors take a lot of pressure. You just have to deliver to your best of your capabilities and just make it happen. Okay guys, thank you so much for all the love and patience. Thank you. Huge round of applause once again for the entire team. Sanju, and a quick photo op. Mumbai Raftar News ki khabrein pasand aane par hamare YouTube channel ko subscribe kare aur like kare.